उनके जो पति हैं वो उनकी बहन के साथ वट एवर द थिंग इज हैपनिंग। बुलबुल से एक बीबी एक्सपेक्ट कर रही है लेकिन बुलबुल अभी नाबालिग है, तो उनकी बहन ऐसा करेगी वो कभी ये चीज़ सोच भी नहीं सकती। सबसे पहले तो बुलबुल इतनी समझदार, मतलब वो काफ़ी इनोसेंट है, वो बहुत जल्दी सब पे भरोसा करती है, तो उनकी बहन ऐसा करेगी वो कभी ये चीज़ सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो अपनी बहन से भी काफ़ी प्यार करती है, जैसे कि वो फैमिली के हर मेंबर से इतनी क्लोज़ है। और अभी फ़िलहाल उसकी लाइफ में ऐसे ही इतना सारा रायता फैला हुआ है, जैसे कि जो उनकी मासा है वो बुलबुल से एक बीबी एक्सपेक्ट कर रही है लेकिन बुलबुल अभी नाबालिग है, तो ये बात जो अभी उसका स्टेट ऑफ माइंड है वो ये है ही नहीं कि उनकी जीजी और उनके थाना अभी उसे कि ये सिचुएशन से मैं कैसे बचूँ, क्योंकि मैं ये सच भी बाहर नहीं ला सकती कि वो नाबालिग है, वरना मेरे जो पति हैं थानेदार साहब उनकी वर्दी उनसे छिन जाएगी। पर अब ये उम्मीदें भी, मतलब वो कैसे क्या करे, उसका माइंड स्टेट अभी एकदम हिला हुआ है राइट नाउ, तो वो इतना अभी इस टाइम पीरियड में वो ये चीज़ इतना नोटिस नहीं करती है कि उनके जो पति हैं वो उनकी बहन के साथ वट एवर द थिंग इज़ हैपनिंग। इवेंचुअली वो करेगी लेकिन अभी उसका स्टेट ऑफ माइंड हिला हुआ है। अभी बुलबुल का रिएक्शन थोड़ा सा गया है लेकिन उसके बाद वो वापस उसी चीज़ में आ जाती है कि अभी थानेदार साहब उसे गुस्सा है, अभी वो कैसी इस सिचुएशन को, पहले उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है कि ये बच्चे वाला जो टॉपिक है वो कैसे दब जाए और ये चीज़ ना बाहर निकल के आए। तो अभी फ़िलहाल वो उस स्टेट ऑफ माइंड में है ना कि इस चीज़ पर उसका इतना फोकस है। इवेंचुअली फोकस करेगी नहीं करेगी क्या होगा वो आप देखेंगे। बुलबुल कितना प्यार करती है अपने थानेदार साहब को, क्या क्लास लेंगी, कैसे क्या होगा, क्योंकि आई थिंक हर रिलेशन में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती है, बट आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हो आई थिंक वो देखना आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो कैसे क्या होगा आप देखेंगे।